बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। तो आज हम बना रहे हैं चिकन जिंगर बर्गर। ये KFC स्टाइल बनाएंगे हम। ये मेरा चिकन है, 1 kg चिकन है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और ये ब्रेस्ट का पीस था जिसे मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है, इस तरह से पतले पतले। ये मैंने अपने बर्गर बन के साइज़ से काटा हुआ है। आपका जो बर्गर बन का साइज़ है, आप उसी साइज़ के हिसाब से इसे कट करिए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 चम्मच इसमें ऐड करूँगी चिल्ली सॉस, साथ ही इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच भर के वाइट विनीगर, 1 चम्मच टोमेटो केचप ऐड करेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करके आप चाहे तो इसे रात भर के लिए फ्रिज में रख दें। मैंने रात भर ही इसे मैरिनेट करके फ्रिज में रखा था। और आप चाहे तो आधा घंटा भी मैरिनेट करके इसे बना सकते हैं। ये देखिए, मेरा अच्छे से मसाला लग चुका है इस पर। आधा किलो मैदा ले लेंगे और मैदे में मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देंगे। अभी ऑयल रख देंगे हम गैस पे गर्म होने के लिए। चिकन को हमने डीप फ्राई करना है, इसीलिए ऑयल हमने ज़्यादा ऐड किया है इसमें। ये देखिए, ये चिकन के एक एक पीस लेंगे हम और पहले मैदे में कोट करके इसे साइड में रख देंगे। सारे चिकन के पीसेस को इसी तरह करके हमने साइड में रखना है। ये बर्गर बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। पानी ले लेंगे हम एक बाउल में। इस पानी में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, नमक वगैरह कुछ भी नहीं। ये सादा पानी है और बस 2 सेकंड के लिए हम चिकन को इसमें डीप करेंगे और वापस मैदे में डाल के मैदे को इस पे अच्छे से कोट करेंगे। मसल मसल कर कोट करना है। इस तरह से मैदे को कोट करना है कि इसमें अच्छा सा क्रम्स आ जाए। ये देखिए, इस पे कितना अच्छा सा क्रम्स निकल के आया है। इस तरह से आपको नजर आना चाहिए चिकन का पीस। इसी तरह से हमने सारे चिकन के पीसेस को करके रख देना है साइड में। मैं आपको एक और करके बताती हूँ। ये डीप करके 2 सेकंड में हमने निकाल लेना है चिकन को। ये बहुत ही मजे का बनकर तैयार होता है। घर में बच्चों को बनाकर दे, टिफ़िन में बना के दे बच्चों को स्कूल के लिए। साथ ही आपको बताती चलूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना नहीं भूले और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो ये देखिए, मेरा तेल भी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। इसे अच्छे से अलट पलट के हमने फ्राई करना है। ऑयल ज़्यादा गर्म होना नहीं चाहिए। ये देखिए, मेरा चिकन फ्राई हो चुका है। ये ज़्यादा मोटे पीस नहीं है, इसीलिए ये बहुत जल्दी गल जाते हैं। इसे पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने इसे 3 मिनट एक साइड से पकाया और 3 मिनट एक साइड से पकाया और ये रेडी है बनके। अभी हम बर्गर रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये बर्गर बन है मेरा। ये रेडीमेड बर्गर बन है। इसे बीच में से काट के हमने तावे पे इसे सेक लिया है। ये मायोनीज और
क्रीम चीज़ है, स्प्रेड चीज़ जिसे कहते हैं, इसे मैंने दोनों को मिक्स करके रखा है। बस हमने बर्गर में इसे लगाना है एक साइड, सारे बर्गर बन में हमने लगा लेना है इसे अच्छे से। ये आइसबर्ग है, मैंने इसमें सिर्फ आइसबर्ग रखा है। अगर आपके बच्चे टोमेटो ऑनियन वगैरह पसंद करते हैं तो आप वो भी स्लाइस करके रख सकते हैं इस पे। हमारे घर में ऑनियन और टमेटो पसंद नहीं किया जाता, हमारे घर के बच्चे नहीं खाते हैं, इसीलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। चिकन रख देंगे, आइसबर्ग रखा उसके ऊपर चिकन रखा, चिकन के ऊपर मैंने चीज स्लाइस रखा है। और फिर बर्गर बन पर फिर से मायोनीज और क्रीम चीज लगाकर मैंने उसे ऊपर रख दिया है। उसके सारे बर्गर आपने इसी तरह से रेडी करना है। और ये मेरा बर्गर बन के रेडी है खाने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।